अच्छे होंगे यही दुआ करती हूँ मैं। आशा बजासा ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड अब तक वीडियो में देखे कि सीढ़ी पर चढ़ाई किस तरह की, 564 सीढ़ियाँ किस तरह हम लोग चढ़े, और अगल बगल जो मुझे अच्छा लगा व्यू वो मैं कैप्चर करते हुए आप लोग के पास दी। और अब हम लोग माता रानी के पास जा रहे, माता रानी को प्रसादी चढ़ाने, चुनरी चढ़ाने। तो अंदर देखिए, वीडियो बनाने मिलेगा तो बनाऊंगी। तो यहाँ हम लोग अब सभी चल दिए हैं, ये प्रवेश द्वार है और देखिए क्या होता है। जय हो माई जी, जय हो माता रानी, जय हो माता रानी। ये भी हाँ। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ प्रसादी चढ़ा चुके, लेकिन अंदर वीडियो और ऑडियो दोनों बनाना मना था, मोबाइल और ले जाना भी मना था, और इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए। और अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, बाहर सभी पंचकर्मा कर रहे, तो मैं भी अभी पंचकर्मा। तो हम लोग प्रसादी चढ़ा कर आ गए, माँ को चुनरी उड़ा कर आ गए, और यहाँ अब पंचकर्मा करना है। तो सभी कोई मिलकर पंचकर्मा करेंगे, 5 बार उनके मंदिर का राउंड लगाएंगे और फिर कहीं बैठ जाएंगे। धूप भी बहुत तेज है और 12 बज चुके हैं, एकदम मध्य धूप लगने वाला है। मंदिर तो अब बंद ही होगी, अभी 12 पूरा नहीं बजे, लेकिन मंदिर अब बंद होगी। तो हम लोग पंचकर्मा यहाँ करते हैं, कितने तेज धूप है। और अभी प्रसादी चढ़ाना बाकी है, तो देखिए माता के दरबार में आए। हाँ तो फ्रेंड यहाँ मैं आप लोग से कुछ बता रही थी, लेकिन जो म्यूजिक चल रहा है तो उससे मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो क्योंकि सारा मेहनत बेकार हो जाता है। तो यहाँ देखिए पंचकर्मा हम लोग लगा रहे हैं, और माता से मुरादे अपनी विनती भी की है कि जैसे सबकी इच्छा पूर्ण करती है उसी तरह हमारी भी इच्छा पूर्ण करे। और हमने भी यहाँ संकल्प ले ली है, तो देखिए क्या होता है, हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ नंदी बाबा बैठे हुए हैं, तो चलिए थोड़ा नंदी बाबा के भी कानों में कुछ बता देते हैं, तो आप लोग बने रहिए। प्रसादियाँ दे दिलिये, नया जूता तो चढ़ा देव, जूट जाए तो जूटिए जाए। और यहाँ देखिए सभी नंदी बाबा, मैंने भी अपने हस्बैंड को बोल दिए कि प्रसादी चढ़ा दीजिए। और अरे हो जा, बॉल खा लिया, हो जा, नारियल को फोड़ दे, अब हो जा, कोई ही तारीफ से मुला चुका था खड़ा हुआ है वहां नंदी भगवान। यहां देखिए मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, और मैं यहां बैठकर वीडियो बना देती हूं आप लोगों के लिए। हाँ तो फ्रेंड यहाँ देखो मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, ये कभी अगरबत्ती तक नहीं जलाते थे, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ आए हैं तो कम से कम पूजा तो कर लीजिए, तो पूजा कर चुके हैं। और यहाँ पहली बार इन्होंने फर्स्ट टाइम अगरबत्ती जलाए हैं। और फ्रेंड यहाँ देखिए बकरे की बलि दी जाती है, जो बिना रक्त बहाए ही यहाँ बकरे की बलि दी जाती है। तो अभी बकरे की सभी पंचकर्मा करवा रहे हैं, और यहाँ अब नारियल, ये नारियल फोड़ने का स्थान है, सभी नारियल फोड़ रहे हैं। मेरे
हस्बैंड भी देखिए नारियल को फोड़ चुके हैं और कुछ यहाँ दे देंगे और कुछ हम लोग प्रसादी के लिए घर भी लेकर जाएंगे। तो यहाँ देखिए पंडित जी चुनकर इसमें से दे रहे हैं और अब बोल रहे हैं कि अपना संकल्प भी छोड़ाइएगा। तो यहाँ जो भी आते हैं अपना जो मन्नत रहता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, तो संकल्प सभी छोड़ाते हैं। तो हमने अभी संकल्प नहीं छोड़ाए हैं क्योंकि हमारी अभी माता रानी की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं की है। अगर पूर्ण कर देगी तो फिर से दोबारा हमें जाना पड़ेगा। तो रक्षा रक्षा सूत्र बनवा रहे पंडित जी मंत्र जाप के साथ, रक्षा सूत्र को बांध रहे हैं। Thank you.
व्यवस्था भी है, पानी का सब कुछ का पूरा व्यवस्था है। यहाँ देखिए शीतल जल पे लिखा हुआ, ये शीतल जल पे और पानी पी लेते हैं। इधर है इस साइड, किसी में पानी नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। और मुंडेश्वरी माता के मंदिर में आए, माता रानी का दर्शन भी हुआ। अंदर वीडियो और ऑडियो बनाना मना है, इसलिए हमने नहीं बनाई तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए फोटो दे रही हूँ। देखिए मुंडेश्वरी माता की फोटो ऐसी ही है, सेम इसी तरह की माता रानी कितना इनमें तेज है, आप लोग देख लीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। संकल्प छुड़ाया जा रहा है, यहाँ हवन हो रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ वीडियो शूट हो रहा है, बच्चे सब फुल एंजॉय कर रहे हैं। चलो हाँ, तो फ्रेंड अब हम लोग दर्शन करने के बाद वापस नीचे आ रहे हैं और आप लोग से अब मैं विदा भी लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और जो नए फ्रेंड फर्स्ट बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और बेल घंटी को भी साथ में प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब मैं आप लोग से विदा लेती हूँ, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतज़ार करिएगा, मुंडेश्वरी माता के मंदिर का वीडियो और भी बाकी है, तो इसके बाद एक और वीडियो आएगा, फिर उसके बाद कोई अलग वीडियो मैं आप लोग को दूंगी। तो आप लोग